हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप गूगल क्रोम के अंदर अकाउंट चेंज या फिर स्विच कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे गूगल ऐप को ओपन करना है। गूगल ऐप को ओपन करने के बाद ऊपर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे थ्री डॉट दिखाई देंगे। आपको सिंपली यहाँ पे थ्री डॉट के बटन पर क्लिक कर देना है। थ्री डॉट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेकंड लास्ट नंबर में सेटिंग का बटन दिखाई देगा। आपको सिंपली यहाँ पे सेटिंग के बटन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग के बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे अकाउंट चेंज कैसे करेंगे। अकाउंट चेंज करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे सेकंड नंबर पर सिंक का बटन दिखाई देगा। आपको सिंपली यहाँ पे सिंक के बटन पर क्लिक कर देना है। सिंक के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे साइन आउट एंड टर्न ऑफ सिंक का बटन दिखाई देगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। आपको इस ऑप्शन को क्लिक नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे अगेन फर्स्ट नंबर पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट नंबर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके जो भी अकाउंट चाहिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कुछ इस तरीके से यस का बटन दिखाई देगा। आपको सिंपली यहाँ पे नीचे यस के बटन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे अपने दोनों अकाउंट का डाटा यहाँ पे कंबाइन भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको दोनों अकाउंट का डाटा यहाँ पे सेपरेट रखना है तो आपको सिंपली यहाँ पे नीचे के बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको दोनों अकाउंट का डाटा कंबाइन करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेकेंड नंबर पर क्लिक कर देता हूँ और आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे गूगल क्रोम में अकाउंट स्विच या फिर चेंज हो जाएगा।